हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलूँगी साउथ गोवा के बहुत ही खूबसूरत बीच पे, जिसका नाम है पैलोलेम बीच। पैलोलेम बीच साउथ गोवा में वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। और आप अभी जो देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं जहाँ से आप बीच वेयर या फिर हैट, स्लीपर्स, जितने भी बीच के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और आप कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर आपको यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग डबल ट्रिपल करके आपको प्राइस बताते हैं। तो इसलिए बार्गेनिंग पावर आपकी जितनी अच्छी होगी, आप उतने अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये है पैलोलेम बीच का व्यू। अभी मैं ऊपर ही हूँ, नीचे नहीं उतरी हूँ। यहाँ पे स्टेयर्स हैं, वहाँ से आपको नीचे उतर के जाना होता है। और अभी बज रहा है शाम के 4। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये जो बीच है ये बहुत ही शांत रहता है, बहुत कम भीड़ रहती है यहाँ पे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि रात के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वैसे भी गोवा नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप पैलोलेम बीच आने के लिए प्लान करें, तो आप कोशिश करें कि आप दिन के टाइम ही आएँ, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो कोशिश करें कि आप दिन में आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा ड्राइविंग। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बीच जो है, ये चार चीज़ों के वजह से जाना जाता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है यहाँ का डॉल्फिन टूर। यहाँ से आपको बोट से लेके जाएंगे और बीच में आपको डॉल्फिन टूर करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 आइलैंड है जहाँ पे आपको जाके ये कुछ देर के लिए छोड़ेंगे बोट से, और वहाँ पे आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कीजिए और फिर ये आपको वापस लेके वहाँ से आ जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सुबह जाना चाहें और शाम को भी वापस आ सकते हैं, या फिर आप जाके और 10-15 मिनट में घूम के तुरंत वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 आइलैंड है वो है, एक है मंकी आइलैंड, एक है बटरफ्लाई आइलैंड और एक है हनीमून आइलैंड। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ये बहुत ही फेमस है ये बीच यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, बीच में आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम लोग चलते हैं बोट से, क्योंकि अभी शाम हो रहा है तो हम लोग, ये 5:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें जल्दी जाके वापस आना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बोट से जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बोट राइडिंग की प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ये लोग आपको बताएंगे 2,500 और 3,000 भी बता सकते हैं। तो आप अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए। और हम लोगों ने बार्गेनिंग किया था, उसके बाद हमें 600 पर हेड पड़ा था। तो उस तरह से आप देख लीजिए, कम से कम एक बार में ये लोग 4 लोग को लेके जाते हैं और ज़्यादा 6-7 लोग को भी लेके जाते हैं। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप 1 या 2 लोग भी हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ये लोग खुद ही अरेंज कर लेते हैं बाकी लोगों से बात करके। तो ये खुद ही 4-6 लोग को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ये लोग बोट राइडिंग के लिए ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग निकल गए हैं अभी और मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी बोट यहाँ पे निकल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड में जा रही है। और सबसे पहले आपको दिखने वाला है यहाँ पे मंकी आइलैंड। इस आइलैंड पे बहुत सारे मंकी रहते हैं तो इसलिए इसका नाम मंकी आइलैंड हो गया है। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है, ये है मंकी आइलैंड। अभी हमें तो एक भी मंकी नहीं दिखा है, बट ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं। निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं, वो खाना वाना खाने के लिए इधर उधर भागते हैं। और जो इसके पीछे है आइलैंड, उधर वो लोग जाते हैं, कुछ कुछ खाना उन्हें वहाँ पे मिल जाता है। तो अभी आपको दिखने वाला है अब डॉल्फिन। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत बड़ा सा, ये देखिए, क्योंकि जस्ट एक कुछ सेकेंड के लिए ही ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी दिखाया है मैंने वहाँ पे मार्क करके रखा है। और ये लास्ट था। तो लगभग 10 मिनट तक इधर आपको डॉल्फिन टूर करवाएंगे बीच में, और फिर यहाँ से वो लोग आपको लेके जाएंगे हनीमून आइलैंड के लिए, या फिर हनीमून बीच कह सकते हैं आप, हनीमून बीच के लिए। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अभी हनीमून बीच पे। जब आप हनीमून आइलैंड के लिए जाएंगे तो बीच में आपको बटरफ्लाई आइलैंड दिखेगा। यहाँ पे ये लोग नहीं रुके, इनका ये कहना है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और रिस्की है, तो वहाँ पे नहीं उतर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको आना है तो उसका दूसरा रास्ता भी है, वहाँ से आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप गाड़ी से आएंगे, उसके बाद आपको लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं।
चलिए ये आ गए हैं हम हनीमून आइलैंड पे। अभी मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पहले से भी बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग पहले से भी हैं यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, देख के ही लग रहा है। और यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट टाइम स्पेंड करना हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, तो ये बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ पे आके बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, एक घंटे दो घंटे। बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह के टाइम आ जाते हैं सैटरडे संडे को, और दिन भर यहाँ पे आराम से रिलैक्स करते हैं और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब शाम होती है तो वो यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। तो चलिए अभी हम आ गए हैं और हमें उतरना है नीचे। देखिए यहाँ पे इन लोगों की बोट वापस जा रही है, कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। आप ये ज़रूर याद रखना कि 5:30 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, तो उसके पहले आप आइए। जब भी आइए यहाँ पे तो आप ये तीनों आइलैंड आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और ये जो आपको छोटा सा सामने कुछ दिख रहा है शॉप जैसा, वो वहाँ पे चिप्स, मैगी और यही सारी चीज़ें वहाँ पे वो लेके बैठे हैं। अगर आपको लेना है, कुछ भी ख़रीदना है, तो आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से। पानी वगैरह भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये सामने का व्यू है और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो जो यहाँ की खास बात है वो मुझे यही लगी कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे आके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। अब तो वापस जाते टाइम मैं आपको दिखाऊंगी बटरफ्लाई आइलैंड, जो कि बीच में आता है। वहाँ पे हम लोग गए नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं उतारा। ये आपको सामने दिखेगा बटरफ्लाई आइलैंड, क्योंकि जो इसका शेप है ना पहाड़ी का, वो बटरफ्लाई जैसा है, तो इसीलिए इसको बटरफ्लाई आइलैंड कहा जाता है। बहुत छोटी सी जगह है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है बटरफ्लाई आइलैंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और बहुत सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये इसी तरीके से सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही शांत जगह है, तो आपको चिल करने के लिए बेस्ट है। तो चलिए अभी हम आगे निकल गए हैं और अब हम वापस चलेंगे पैलोलिम बीच पे। बस हम अभी पहुंचने ही वाले हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी बीच, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बीच नहीं दिखाया था पूरा पैलोलिम बीच। हमें उधर जाना था, लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं अभी आपको पूरा बीच दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ये शैक है। पैलोलिम बीच की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हट बने हुए हैं, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं यहाँ। हट की वजह से भी पैलोलिम जाना जाता है, तो अगर आप यहाँ कभी भी आते हैं तो आप यहाँ पे स्टे करिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो चार्जेस हैं इन हट के, तो इसमें एसी भी है और नॉन एसी भी है। अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो 2,500 और 3,000 के आसपास आपका पड़ेगा, और अगर आप नॉन एसी लेना चाहते हैं तो 2,000 के आसपास आपका आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू टोटली, आप जिस तरह का भी हट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये वाला हट लगा, क्योंकि बहुत ही अलग अलग कलरफुल हट है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे और भी बहुत सारे थीम पे बेस्ड है, जैसे कि वुडन थीम, और बहुत सारे हैं, आपको मैं भी दिखाऊंगी। ये देखिए वुडन थीम पे है पूरा। और इसी तरीके से नीचे इन्होंने शैक बना रखा है, ऊपर इन्होंने छोटे छोटे हट बना रखे हैं, तो व्यू आप बहुत ही प्यारा आने वाला है हट से, क्योंकि डायरेक्ट सी फेसिंग है, सी के पास ही है, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
और अभी सनसेट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और शाम होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कैंडल जला दिए जाते हैं आपके सामने, और आप आराम से बैठ के कैंडल लाइट डिनर कीजिए, जो भी आपको खाना आप ऑर्डर कीजिए, बहुत ही अच्छा है। गोवा में सारे बीच पे आपको इसी तरह से दिखेंगे, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। और जैसा कि आप देख रहे हैं शाम हो चुका है और लाइट्स वगैरह सारे ऑन हो चुके हैं अभी, तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है बीच। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए। और ये सामने जो आपको दिख रहा है धुआं उठता हुआ, यहाँ पे ये लोग फिश को ग्रिल करके आपको खिलाते हैं। तो यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फिश ये लोग रखते हैं, और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करें, और ये लोग उसको ग्रिल करके बहुत ही अच्छे से बना के देते हैं। अगर आपको पसंद है सी फूड तो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ फिश है यहाँ पे, जिनको इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है, और जब इन्हें ऑर्डर मिलता है ये फटाफट से उनको ग्रिल करके बना के देते हैं। तो आप जब भी आएँ, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको पैलोलेम बीच, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा तो आप ज़रूर उसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आती रहूँगी मैं इसी तरीके के वीडियोस को लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।